हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। बरसात के मौसम में प्याज के पकोड़े खाने का मज़ा ही अलग है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार पांच बड़े प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने काट के रख लिया है, और मैंने यहाँ पर छोटी कटोरी बेसन लिया है, और मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी, लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने डाला है नमक। और नमक डालने के बाद अब मैं इनको करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। प्याज को बेसन के साथ मिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है, और नमक डालने से जो हमारा प्याज है वो थोड़ा पानी छोड़ेगा, इसकी वजह से जो हमारे बेसन है ये ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और अगर आपको बेसन कम लगे तो आप डाल सकते हो। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारे प्याज है उसमें बेसन अच्छी तरीके से लग गए हैं, तो अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ साइड में कढ़ाई ले ली है, और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है, और अगर आप कोई और तेल डालना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं थोड़े से पकौड़े हाथ में लूँगी, और थोड़ा सा छोटा सा गोल बनाऊँगी, और इसे अपने कढ़ाई में डालूँगी फ्राई करने के लिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे अपने पकौड़ों को डालूंगी, और सारे पकौड़ों को डालने के बाद मैं इन्हें 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि हमारे जो प्याज के पकौड़े हैं नीचे से गोल्डन ना हो जाए। और जैसे ही हमारे नीचे से प्याज जो है वो थोड़े गोल्डन हो जाएंगे, तो मैं इनको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाए। और जैसे ही हमारे प्याज के पकौड़े दोनों तरफ से हो जाएंगे, तो ये अभी ये खाने के लिए रेडी है, और आप इसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।